बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाए हैं। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। साथियों, भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था जो दशकों से चला आ रहा था। ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। पहले की सरकारों में जो मदद गरीब लाभार्थियों के लिए भेजी जाती थी वो बीच में ही लूट ली जाती थी। राशन हो, घर हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, ऐसी अनेक सरकारी स्कीम्स में असली लाभार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। और एक प्रधानमंत्री ने तो कहा था, एक रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसों की चोरी होती थी। पिछले दिनों मैं सोच रहा था, हमने डीबीटी के द्वारा करीब 27 लाख करोड़ रुपए नीचे लोगों में पहुंचाया है। अगर उस हिसाब से देखता तो 27 लाख करोड़ में से करीब करीब 16 लाख करोड़ कहीं चले गए होते। आज जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। इस व्यवस्था से 8 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हुए हैं। जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विधवा हो जाती थी और विधवा पेंशन चलता था। डीबीटी से देश के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जमकर के भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे। हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस डील्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूं। लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं
और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा, जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो, बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी डील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। साथियों, बेहतर परिणामों के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच के साइलोज को भी खत्म करना बहुत आवश्यक है। ज्वाइंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन आपसी विश्वास के माहौल में ही संभव होगा। अब देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, उससे बाहर भी पैसों का, लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का बड़े पैमाने पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है तो अड़चनें पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने पर, हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर, हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रतिदिन प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें जाहिर तौर पर करप्शन का पैसा लगता है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के मल्टीनेशनल नेचर को भी समझना होगा, स्टडी करना होगा, उसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा। आज हम अक्सर देखते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी, यही इनोवेशन समाधान भी दे सकते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग का और ज्यादा विस्तार करना होगा। साथियों, साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें इनोवेटिव तरीके खोजने चाहिए। हम टेक एनेबल एंटरप्रेनर्स और यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपके संगठन में ही कई टेक्नो से भी युवा होंगे जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। साथियों, मुझे बताया गया है कि सीबीआई ने 75 ऐसी प्रथाओं को
कंपाइल किया है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। हमें एक समयबद्ध तरीके से इस पर काम करना चाहिए। बीते वर्षों में सीबीआई ने खुद को इवॉल्व किया है। ये प्रक्रिया बिना रुके बिना थके ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है चिंतन शिविर एक नए आत्मविश्वास को जन्म देगी। ये चिंतन शिविर नए आयामों तक पहुंचने के रास्ते बनाएगी। ये चिंतन शिविर गंभीर से गंभीर कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके में आधुनिकता ले आएगी और हम ज्यादा प्रभावी होंगे, ज्यादा परिणामकारी होंगे और सामान्य नागरिक न बुरा करना चाहता है न बुरा उसको पसंद है। हम उसके भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके दिल में सच्चाई जिंदा है और वो संख्या कोटि कोटि जनों की है, कोटि कोटि जनों की है। इतना बड़ा सामर्थ्य हमारे साथ खड़ा है तो हमारे विश्वास में कहीं कमी की गुंजाइश नहीं है। साथियों, इस हीरक महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।